कल शाम को बारिश हो ही रही थी कि ऐसे में बगल वाली आंटी आती है, वो भी एक कटोरी कॉर्न लेके। देख के तो मेरे चेहरे में हंसी आ गई। बस मैंने भी क्या किया, सीधा उसको लिया, गई किचन में और एक चॉपर में डाल के ना इसको आधा चॉप कर लिया। अब क्या था, एक बोल में लिया और साथ में कटे हुए कुछ सब्जियां भी, जैसे प्याज, कैप्सिकम, हरा मिर्च, हरा धनिया, गाजर, सारी चीजों में ना नमक डाल के थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दिया। बस उसके बाद इसमें थोड़ा सा अदरक घिस के डालो, अगर चाहो तो नहीं भी डालो। और इसके साथ ही ना थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ में बेसन, चावल का आटा और मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, साथ में थोड़ा सा चाट मसाला और गरम मसाला, सारी चीजों को मिलाया और हल्के हाथों से इसको ना अच्छे से ऐसे करके रख दिया। बस इसके साथ ना थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया, क्योंकि थोड़ा सा बाइंडिंग भी तो चाहिए था। और क्या, इधर में तेल को गर्म करने के लिए रखी थी और इसके साथ ही ऐसे गोल गोल पकौड़े बनाकर बस तेल में डाला और एकदम क्रिस्पी होने तक दोनों को ना अच्छे से लाल लाल करके फ्राई कर लिया। बारिश तो हो ही रही थी, साथ में गर्मा गर्म चाय और ये पकौड़े खा के ना बस मेरे चेहरे में तो हंसी आई गई थी। तो आंटी को भी थोड़ा सा खिला दिया, बोलने लगी इतना जल्दी इतना अच्छा पकौड़े कैसे बनाई।